हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है उनके पार्टनर्स उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लवर्स उनके हस्बैंड वाइफ उनके एक्स कोई पास्ट पर्सन है पास्ट लवर है जो भी है आपका नो कॉन्टैक्ट है उनके साथ, तो आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी स्टार साइन हो सकता है, कोई भी एज हो सकती है उस पर्सन की। सो देखेंगे वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं चाह रहे, क्या बताना चाहते हैं जो आपको बता नहीं पा रहे। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ब्लॉक में हो, जो भी सिचुएशन आएगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट आपके लव के लिए। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती रहूँगी। आप जितना ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं उतने ज़्यादा ही आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आप चाहो तो कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, और डेफिनेटली मुझे पसंद आएगा तो मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। सो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट स्प्रेड इट। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरे इंस्टा पे भी, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक को देख के इस रीडिंग को देख के आप लोगों के माइंड में जो पर्सन आया है आपने उस पर फोकस करना है, और उनका दिमाग में ख्याल रख के आप लोगों ने रीडिंग को देखना है जिनका नो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। सो देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के पर्सन जिनका आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन इस टाइम चल रहा है। बात आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो लेट्स सी, करंट फीलिंग्स इन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके पार्टनर्स के। सो गाइज, फर्स्ट वी हैव अनलीश योर क्रिएटिविटी। 31 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 31 इनकी एज हो सकती है, 4 नंबर किसी तरह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव साइकल्स, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 46 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। एंड देन वी हैव सेल्फ सेबोटेज, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से जैसे आप लोगों से रेजोनेट करे आप लोगों ने वैसे ही लेना है। एंड बॉटम ऑफ द रैक है 29, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। 29 इनकी एज हो सकती है, 29 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, सो कैसा आप लोगों के ये जो पर्सन है ना आपके लिए फील कर रहे हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले तो गाइज, इसी पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। ये पर्सन, इस पर्सन की इस टाइम अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये पर्सन ना अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अवेकनिंग इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन होती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब बेचैनी होगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट पेनफुल सिचुएशन होती है जब आपकी अवेकनिंग का टाइम होता है। तो इस पर्सन की इस टाइम अवेकनिंग चल रही है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचता है। इनको लगता है कि आप लोगों के साथ अभी साइकल्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन का चल रहा है। ठीक है, इनको फील हो रहा है कि आप लोगों, इस पर्सन को था कि इसको लाइफ का पर्पज़ अपनी मिल गया है, लेकिन ये पर्सन को जब आप लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया तो इसको पता लगा कि अभी तो इस पर्सन के टेस्ट और भी होने बाकी हैं, अभी इस पर्सन को अपना लाइफ का पर्पज़ नहीं मिला। ये पर्सन किसी तरह से म्यूज़िक लवर हो सकता है, या फिर आप दोनों ही कोई ना कोई म्यूज़िक एक दूसरे के साथ सुनते थे, तो ये पर्सन उस म्यूज़िक को रीप्ले करके यू नो ऑन रिपीट सुनता है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को याद कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अपने आप को दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये पर्सन पहले स्ट्रोंग थे मेंटली इमोशनली, अब ये पर्सन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद को वीक फील कर रहा है, क्योंकि इसकी अवेकनिंग हो रही है, जहाँ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है। हर चीज़ में ये पर्सन नेगेटिव चीज़ें देख रहा है, इसको लग रहा है जैसे ज़िंदगी सही कभी होगी नहीं, क्योंकि ये पर्सन पॉजिटिव की तरफ फोकस ही नहीं ना कर रहा। दैट्स वाई जब ये पर्सन देखेगा कि इसके ऊपर ये सिचुएशन आई है, कि इसको कुछ ना कुछ सिखाने आई है, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो रही होगी यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये आप दोनों की रीडिंग हो रही है ना। ठीक है, आपके पर्सन है डेफिनेटली, तो एनर्जी जो है स्विच हो सकती है, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है अगर इस पर्सन की नहीं है तो।
ठीक है, तो अपने पर्पस को जानिए कि बेसिकली अगर आपके ऊपर कुछ भी आया है या किसी भी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो तो वो क्यों आया है। आप लोगों को डेफिनेटली वो चीज़ें कुछ सिखाने के लिए आई हैं, उससे सीखिए। जब तक आप सीखोगे नहीं, बैक टू बैक वो एनर्जी आती रहेगी आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कुछ आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको कुछ सिखाने आ रही है। आप किसी भी इंसान से भी मिलते हो ना अपनी लाइफ में, तो उसका भी कोई ना कोई पर्पज़ होता है मिलने का। या तो वो आपके साथ एक ब्लेसिंग बन के आ जाता है आपकी लाइफ में, या फिर वो आप लोगों को लेसन देकर जाता है कोई ना कोई, कि जहाँ से आपको समझ आती है कि इस तरह के लोगों से आप लोगों ने दूर रहना है, आप लोगों ने ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा ही एक्सपेक्ट करोगे सबसे, और आप लोग और ज़्यादा अच्छे होगे दूसरों से। ठीक है, जब आप लोगों के साथ कोई बुरा करके जाता है तो आप लोग भी केयरफुल हो जाते हो कि अब आप लोगों ने हर एक के साथ काइंड नहीं होना, हर एक के साथ लविंग नहीं होना, क्योंकि जैसे आप अच्छे हो दूसरा वैसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। सो अभी इस पर्सन की जो है ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है, और अभी आप लोगों की तरफ इस पर्सन का ज़्यादा मुझे फोकस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में इनको पर्पज़ ही नहीं मिल रहा अपनी लाइफ का क्या है। जब तक ये पर्सन अपनी लाइफ का पर्पज़ नहीं समझेगा, जब तक देखेगा नहीं कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट चल रही है तो वो क्यों चल रही है, ये पर्सन अपने आप को जब तक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं करेगा तब तक यहाँ पे और आप लोगों की इस पर्सन से मीटिंग में टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन साइकिल चल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन पे साइकिल आया हुआ है ऐसा। ठीक है, ऐसी बैड लक चल रही है, ये चीज़ें सही भी करने की कोशिश करेगा ना अपनी लाइफ में भी इवन, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, सो बाय चांस अगर आपका इस पर्सन से कोई बात भी हो जाएगी तो फिर दोबारा ब्रेकअप हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है दोनों को। सो लेट्स सी, एंड देन वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, आप दोनों ही मुझे परेशान दिख रहे हो गाइज, यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे आई डोंट नो क्यों लग रहा है आप लोगों की भी यही चल रही है, बहुत से लोगों की होगी, चाहे सेम एज इट इज़ ऐसी हो सकती है या इस तरह से मिलती जुलती हो सकती है। देन वी हैव स्ट्रेंथ लियो, एरिस लियो सैगिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, लीवर्स के पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट, उनका सेपरेशन चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके गाइज, ये पर्सन जो है ना आप लोगों के ये पार्टनर्स जो हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है डेफिनेटली, एक तो आप लोगों से बात भी नहीं हो पा रही, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है इस पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा बुरा सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, कि ये अपनी जो चीज़ों को अपने डिज़ायर को फुलफ़िल भी करना चाह रहे हैं ना आप लोगों से बात करके, तो वो नहीं होने की यहाँ पर कोशिश हो रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, सो भी सही नहीं पा रहे, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस पर्सन को, ये अपनी इतना ज़्यादा ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है कि जो चीज़ें पॉजिटिव भी हैं वो भी ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिव होती जा रही है, जिस चीज़ का सलूशन भी निकलना है ये उसको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि वो चीज़ भी एट द एंड ये देखता है कुछ भी नहीं होना, नेगेटिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है ये, या तो आपकी भी ये थिंकिंग है या फिर ये इस पर्सन की थिंकिंग है जो इसको फीलिंग ये पर्सन हो रही है। आप लोगों से बात करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली इम्पेशेंट भी हो रहा है कि आपसे बात करें, इसको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिले, या आप लोग किसी तरह से इस पर्सन से बात कर लो, यहाँ पे ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों का कनेक्शन ऑब्वियसली स्टार्ट आप लोगों ने किया था कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने एक दूसरे को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गई बात, लेकिन ये बात करना चाहते हैं आप लोगों से, बट सबसे पहले इनको अपनी अवेकनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन को अपना लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा कि क्या है, जो सिचुएशन ऐसी चल रही है वो क्यों सिखाई जा रही है इस पर्सन को, क्या सीखना है इसमें से, ये उस चीज़ों तक अभी तक पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को जब इन चीज़ों को सीखने का अलाउ करेगा तभी चीज़ें बेटर होंगी आपके इस कनेक्शन में, अदरवाइज़ यहाँ पे ये पर्सन को जो है ना डे बाय डे ये पर्सन वीक होता जाएगा मेंटली और इमोशनली। कुछ लोग ही अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, और आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो
तो वो ठीक ही नहीं हो पा रही क्योंकि ये पर्सन अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहा, या आप लोगों की भी यही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। और जो लोग अनमैरिड हैं डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है। आप लोग हो सकते हैं, आप दोनों में से आप लोग शायद इंडिपेंडेंट हो सकते हो, या फिर इस पर्सन की ब्रेकअप की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इसको लगता था आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी कंट्रोल करते हो इस पर्सन को, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग चलाने की इस पर्सन को कोशिश करते हो, और ये पर्सन तो अपनी मनवाने वाला पर्सन है, किसी के मानने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस या तो इस पर्सन ने आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है, या आप लोगों ने इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बागी हो गए थे और आप लोग इस कनेक्शन से निकल गए और आप लोगों ने ब्रेकअप कर दिया। और अभी जो है दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बैलेंस तलाश कर रहा है अपनी करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में, शायद बैलेंस पहले भी नहीं बन रहा था, ठीक है, और अभी भी मुझे बैलेंस बनता नज़र नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पर्सन को अभी फाइनेंशियली ज़्यादा फोकस्ड है, या आप या ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट बिजनेस करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। जो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ये पर्सन फैसला ही नहीं कर पा रहा कि इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन रखना है या नहीं रखना है तो किस सिचुएशन पे रखना है, या किस तरह से किस लेवल पे रखना है, ये भी इस पर्सन को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी टोटली ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज एंड वेरी डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा फेयर्स हैं, काफ़ी परेशानी यहाँ पे चल रही है। जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी तब तक आगे कनेक्शन बनता मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर भी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये पर्सन आपके साथ, अगर आप सिंगल हो, ये पर्सन सिंगल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी आपके साथ हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इमोशनली आपके इस कनेक्शन में बैलेंस रहे, लविंग रिलेशनशिप आपका बने। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये बच्चों के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, काफ़ी वॉइसली कनेक्शन को चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे तरह से उनको भी रेज करना चाहते हैं अच्छे से, कि उनकी भी एक ब्रोटअप है वो अच्छे तरह से हो, आपके और इसकी कनेक्शन जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहे। आप लोगों के दरमियान एक दूसरे पर ट्रस्ट इशूज़ हैं, तो आप ये पर्सन चाहता है कि ट्रस्ट इशूज़ भी ना रहें, आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन पे, एक दूसरे की लॉयलिटी पे, ऑनेस्टी पे, सिंसेरिटी पे ट्रस्ट कर पाओ। लेकिन वो चीज़ें तभी होंगी जब ये इन चीज़ों से बाहर आएगा, नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। और जो लाइफ यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रही है उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं सीखोगे तो दोबारा एट द एंड फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम के लिए ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद दोबारा वही सिचुएशन सामने आ जाएगी, तो फिर कनेक्शन ख़राब हो जाएगा। जब तक चीज़ें सीखोगे नहीं तब तक वो चीज़ें बैक टू बैक रिपीट होती रहेंगी, जो सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें आपके सिचुएशन में काफ़ी बार हो चुकी हैं, बट इस बार जो है वो ज़्यादा पीक लेवल पे चली गई हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, और आपकी बार कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा, जब तक ये लेसन टोटली नहीं सीखेगा तब तक कनेक्शन ठीक नहीं होगा। दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो या तो दोनों की ही अवेकनिंग चल रही है, या फिर इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, आप लोग टोटली इस टाइम नॉर्मल हो, ये सिंगल की बात हो रही है, और अगर मैरिड हो तो दोनों को सफ़र करना पड़ रहा है। देन वी हैव हैंड ऑफ कार्ड्स, यस, ये चाहते हैं कि इनको चांस मिले, ये रिस्क भी लेना चाहते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने की पूरी कोशिश ये पर्सन कर रहा है यहाँ पे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी तरह से आप लोगों की मीटिंग हो जाए, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन पहले हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी बुरा कर दिया है। कुछ लोगों में लगता है हो सकता है आप लोगों के पार्टनर्स हो सकता है गैम्बलिंग वगैरह भी करते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इनको समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है, या यूनिवर्स की तरफ से हुआ है लेसन सिखाने के लिए कि ये चीज़ छोड़ दो, बट ये हो सकता है उस चीज़ से रुक नहीं रहे। देन वी हैव द फिनिक्स, ये न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, चाहते हैं ग्रोथ हो, और ये चीज़ें जो सिखाने आई हैं इनको ग्रोथ सिखाने ही आई हैं इनकी लाइफ में, इनका माइंड चेंज करने के लिए आई हैं, कि अगर ये पर्सन किसी बुरी चीज़ों में पड़ा हुआ है तो वहाँ से बाहर आ जाए, अपनी लाइफ को चेंज करे, एक रिन्यू ले, अपना नया स्टार्ट ले, ताकि आपके रिलेशनशिप प्रैक्टिकल एंड पर्सनल लाइफ जो है, प्रोफेशनल लाइफ जो है, उन सब में अच्छा बैलेंस रहे। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन सीख नहीं रहा। देन वी हैव कैमरा, यस, कि पास्ट की बहुत ज़्यादा बातें याद करता है, ठीक है, अपने पास्ट से सीखने की यहाँ पे ज़रूरत है इस पर्सन को, जो ये सीख नहीं रहे। तो जब अपने पास्ट से सीख जाएंगे तब डेफिनेटली हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी। द चेजर की एनर्जी है, अगर ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, आप इसको चेज कर रहे हो, तो कनेक्शन ठीक कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहले ये पर्सन इस कनेक्शन से तभी भागा है, या तो आप लोग इस पर्सन के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, और इस पर्सन को अटैचमेंट का डर था,
चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तब भी अटैचमेंट का डर हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है इस पर्सन के अंदर कि अटैचमेंट से इसको लगता है कि ये जिससे अटैच होता है वो पर्सन इससे दूर चला जाता है। तो समथिंग लाइक दिस को डिपेंड हो रहा था कनेक्शन कहीं ना कहीं पे, जिसकी वजह से आप लोगों की ये सिचुएशन चल रही है। बट यहाँ पे अवेकनिंग का प्रोसेस है, पर्पस लाइफ का क्या है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर इंसान को दुनिया में भेजा गया किसी ना किसी पर्पस की वजह से, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मैं लाइफ का पर्पस मेरा क्या है, लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना, लोगों को यहाँ पे कंसल्ट करना, ठीक है ना, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देना हर चीज़ की, उनकी काउंसलिंग करना, तो मैं वो काम कर रही हूँ, ठीक है ना। एकदम से तो नहीं इस सिचुएशन में आ गया, आपको अपनी लाइफ का पर्पस, ऑब्वियसली जो भी टायर रीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सीधी सी बात है, वो सबकी अवेकनिंग हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद हुआ है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जहाँ से आप लोगों को इस तरफ ले कर आना होता है यूनिवर्स ने, या जो भी आपका रिलीजन है उसने, जिनको आप मानते हो, अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, जो भी हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अपनी लाइफ का पर्पस, ये जब तक नहीं जानेगा अपने अंदर तब तक इसकी चेंजिंग नहीं आएगी, कनेक्शन ठीक नहीं होगा आप लोगों का, चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो या ये कर लें, ब्रेकअप हो जाएगा, फिर बार बार ब्रेकअप होगा जब तक सीखोगे नहीं। तो ग्रोथ की ज़रूरत है यहाँ पे इस पर्सन को, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा चेंज है, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी इस तरह की रीडिंग की है। आई डोंट नो ये एनर्जी किससे रेजोनेट हो रही है, जिससे भी हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। या तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है इस टाइम, या फिर आपके इस पर्सन की चल रही है, अगर आपकी नहीं है तो। या सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।